मंगलवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता डीआईजी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने खिलाफ हो रहे झूठे प्रकरण को लेकर एक ज्ञापन डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र को दिया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा द्वेष भावना के चलते कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण लगाए जा रहे हैं। दरअसल रामलाल पाल निवासी द्वारकापुर थाना पर आईपीसी की धारा 452, 324, 323, 294, 206, 34 में झूठे प्रकरण दर्ज होने को लेकर कांग्रेस आज डीआईजी से मिले। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि द्वारकापुरी थाना एसआई अनिल शर्मा द्वारा बिना किसी घटना की विवेचना किए राजनीतिक दबाव के कारण उन पर यह मामला दर्ज किया गए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर रामलाल पाल द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को वीडियो फुटेज ही उपलब्ध कराए गए हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। हमारे इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल जी ने टाइम लिया था डीआईजी महोदय से, तो उस टाइम पे पहुँचे हम। इसके अलावा हम पे 5/9/2020 को झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया। किसने दर्ज कराया झूठा प्रकरण? विपक्षी पार्टी ने। कौन विपक्षी पार्टी का कौन है जो कुछ भाजपा के लोग हैं कि बोलो इसको फंसाया जाए। क्या क्या मामले दर्ज कराए? मामला दो पक्षों में भी विवाद हुआ था किसी कीचड़ की वजह से। हाँ। तो दो पक्षों में विवाद हुआ, जबकि मैं 9:30 बजे थाने पर पहुँचा विवाद के बाद में। बाकी जिस पक्ष में जब टाइम पर विवाद हुआ था उस टाइम में थाने में। आप क्या चाहते हैं? किससे मिलो, क्या कहा गया? मेरे पास फुटेज है इसके अलावा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि मेरे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा गया और जो रिपोर्ट दर्ज की गई, तो मैं उससे झूठी रिपोर्ट, तो इसके निष्पक्ष जांच की जाए। मैं उसमें थाने वो द्वारकापुरी थाना के एसआई हैं अनिल शर्मा जी, वो बार बार मेरे एक मित्र भी पहले इससे पहले 15 दिन पहले मेरे मित्र हैं सचिन चौहान, उन पर भी झूठा प्रकरण दर्ज कराया था। क्या अपराध बताया आपका उन्होंने प्रकरण में? मैं 6 धाराएं लगाई गई है। क्या क्या मामला बताया उसके? घर लड़ाई में होना शामिल, घर में घुस के मारने के मामले में मुद्दा बताया गया। 452, 306।